और चलिए सीधे अब आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां मेरे दो सहयोगी दीपा बाफला और राजेंद्र देव आपको 60 सेकंड में न्यूज दिखाएंगे, सीधे रुख करेंगे। धन्यवाद जय। देश भर में 3 दिन से ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल है। आपको मालूम है हिट एंड रन कानूनों में बदलाव के बाद ये हड़ताल शुरू हुई है, लेकिन अब उसके खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार से दिए भरोसे के बाद एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की और काम पर लौटने की अपील की है। हिट एंड रन को लेकर देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म होने को है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद सुलह के आसार हैं। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है और लिखित में दिया गया, कोई भी जुर्माना नया लगेगा नहीं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपसे पूरी डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ लागू नहीं करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक आज चुना जा सकता है, ये कहा जा रहा है। आज जो इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, उसमें इस बात पर फैसला हो सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जूम ऐप पर गठबंधन दल के नेताओं की एक बैठक बातचीत आज होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस के सुरों को आगे बढ़ाने का काम उन्हीं की पार्टी के नेता कर रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अगर नीतीश संयोजक बने तो उनका स्वागत होना चाहिए। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के संस्थापक, उसके विचार के संयोजक हैं और उन्हीं के प्रयासों से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की खबरें ऐसे समय में आई हैं जब नीतीश ने जेडीयू की कमान अपने हाथों में ली। 29 दिसंबर को जेडीयू की बैठक में कांग्रेस पर सीधा अटैक किया। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और ये चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा सकते हैं। हालांकि बिहार में जनसुराज की मुहिम छेड़ रहे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की दावेदारी से इत्तेफाक नहीं रखते। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते, दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है, जदयू को कौन पूछ रहा है। आइए अब दिल्ली के सीएम के बारे में बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हैं। आज उनको ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन इससे पहले भी 3 बार उनको समन किया जा चुका है, जिस पे वो 1 बार भी प्रस्तुत नहीं हुए। अब देखना कि क्या आज वो ईडी के सामने पेश होते हैं। दिल्ली में हुए शराब घोटाले की आज अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की फांस बनती नजर आ रही है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को नोटिस जारी कर आज पेश होने को कहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आज केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए 2 समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल खड़े किए थे। केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री की लीगल टीम मंथन फिलहाल कर रही है, चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। 3 जनवरी है, ईडी का तीसरा नोटिस है, क्या स्टेटस है आम आदमी पार्टी का और क्या सीएम कल जाएंगे? We will act as per the law. दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को लेकर फिलहाल पेशी नहीं होने तक सस्पेंस बरकरार है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी अब यूसीसी कानून लागू कर सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। और सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो उत्तराखंड से होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर पहले लागू होगा, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर असम में भी इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना 2024 का एजेंडा पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ही साफ कर दिया था और अब बीजेपी अपने वादे के मुताबिक उत्तराखंड में इसे लागू भी करने जा रही है। उत्तराखंड के बाद उसे असम में भी लागू करने की तैयारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है
भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी धर्म या जाति का क्यों न हो। यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव होंगे ये जानना भी जरूरी है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, बहुविवाह हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी, पति पत्नी को तलाक का समान हक मिलेगा, लड़के लड़की को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, लिव इन में रहने के लिए डिक्लेरेशन देना होगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल स्वरूप जल्द ही सामने होगा। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं, CAA को लागू करने के लिए भी सरकार जोर शोर से जुटी हुई है और 2024 के चुनाव से पहले ही इसे लागू करने का ऐलान किया जा चुका है। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान आया है। बयान में कहा गया है कि CAA के नियम लोकसभा चुनाव 2024 से काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार जल्द ही CAA के लिए नियमावली जारी करेगी। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद नियमों के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जा सकेगी। CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। CAA को लेकर मोदी सरकार ने 4 साल पहले ही दांव चल दिया था। 2019 में संसद से पास कराए गए कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई भारत की नागरिकता के हकदार होंगे। हालांकि उस वक्त कानून का पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ था, लेकिन अब कानून लागू होने के बाद पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता देने का सरकार ने संकल्प ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप के दौरे पर रहेंगे। वहां पर पीएम मोदी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर रहेंगे और कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी करीब 12 बजे करवत्ती द्वीप पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन करेंगे, जिससे इंटरनेट स्पीड 100 गुना से ज्यादा बढ़ेगी। पीएम LTD संयंत्र राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। इसमें 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु को 20,140 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने DMDK के संस्थापक और जाने माने एक्टर विजयकांत को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने दिवंगत विजयकांत को राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहने के साथ साथ राजनीति का भी कप्तान बताया। जस्ट अ फ्यू डेज एगो वी लॉस्ट थिरु विजयकांत जी। ही वॉज अ कैप्टन नॉट ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा बट ऑल्सो इन पॉलिटिक्स। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा और फैसला इस बात पर होगा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश की जांच नए सिरे से की जाए या नहीं। और यह फैसला नवंबर में ही सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। आज का दिन अडानी ग्रुप के लिए बेहद अहम रहने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे के करीब हिंडनबर्ग मामले में फैसला देगा। दरअसल साल 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया गया। रिपोर्ट में शेयरों की हेराफेरी के आरोप लगाए गए। हालांकि आरोपों के बाद अडानी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। यही नहीं, उद्योगपति गौतम अडानी की निजी संपत्ति में भी गिरावट दर्ज हुई। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा था। 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच और एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को नकार दिया था। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर जो सामने आ रही है। रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। देखिए, एक तरफ जो खबरें हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, रांची में 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। सीएम सोरेन के ये तमाम लोग करीबी बताए जा रहे हैं, जिनके ठिकानों पर ईडी का छापा चल रहा है। और
रांची में बताया जा रहा है कि 6 जगह जहां पर ईडी की छापेमारी हो रही है। वरुण जैन मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, 6 जगहों पर रांची में इस वक्त ईडी का छापा चल रहा है, इससे संबंधित और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल करीब आधा दर्जन ठिकानों पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी छापेमारी चल रही है। रांची के पिस्ता मोड़, रातू रोड पर रहने वाले ग्रोशन नाम के शख्स के यहाँ भी सर्च ऑपरेशन है, वो चल रहा है। और ये इन सभी लोगों का जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ पे बेहद मजबूत कनेक्शन बताया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के करीबी है ये लोग जिनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है। अभी सूत्रों या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये बात साफ नहीं हो पाई है कि किस मामले में छापेमारी चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो करीबी है उनके यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी फिलहाल चल रही है। जी बहुत शुक्रिया वरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रांची में कई जगहों पर ईडी का छापा चल रहा है, किस मामले में ये छापेमारी हो रही है, कौन ये तमाम लोग हैं, ये तमाम जानकारी सामने अभी आनी बाकी है। लेकिन जानकारी जो फिलहाल मिल रही है कि ये हेमंत सोरेन के सभी करीबी बताए जा रहे हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इससे जो भी जुड़ा हुआ अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। देखिए, जमीन घोटाले में बुरी तरीके से फंसने के बाद, घिरने के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर होने की आहट भी सुनाई दे रही है। और इसी बीच में माना यह जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन अब झारखंड की सत्ता की चाबी जो है वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। माना यही जा रहा है, संभावना यही है कि आज होने वाली विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन सकती है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या हेमंत सोरेन जेल जाने वाले? क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले? क्या झारखंड की कमान सोरेन की पत्नी संभालेंगे? आज विधायक दल की बैठक में बड़ा ऐलान होने वाला है। सीएम सोरेन को ईडी के कई नोटिस के बाद इन दिनों झारखंड की सियासी फिजा में यही सवाल तैर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही झारखंड में सियासी हलचल अचानक इतनी तेज हो चली है? इसकी दो वजह हैं। पहली, हेमंत सोरेन को मिला ईडी का 7वां नोटिस। दूसरी वजह, झारखंड के गांडेय विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा। दरअसल ईडी के 7 नोटिस भेजे जाने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए और इसलिए अब चर्चा तेज है कि प्रवर्तन निदेशालय हेमंत सोरेन के खिलाफ कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है और ईडी उनसे इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। जमीन घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए सोरेन को पहली बार समन जारी कर 14 अगस्त को बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें 24 अगस्त, फिर 9 सितंबर, फिर 23 सितंबर, उसके बाद 26 सितंबर और छठी बार 4 अक्टूबर और 12 दिसंबर को हाजिर होने का समन भेजा गया, लेकिन वे इनमें से किसी समन पर हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 30 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक और समन भेजा। ईडी ने बताया कि हेमंत सोरेन को पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया जा रहा है, तारीख समय और जगह बताएं, वहां ईडी के अधिकारी आकर पूछताछ कर लेंगे। इसके जवाब के लिए सीएम सोरेन को 2 दिन का समय दिया गया था जिसकी मियाद अब खत्म हो गई। इधर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दावा किया है कि राज्य में हालात बहुत खराब हैं। राजभवन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जिसने गलत किया उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। Those who have done something wrong, they have to face the consequences. Rajbhavan is keeping watch only on one thing, the law and the situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सत्ता की कुर्सी हेमंत के हाथ से निकलने वाली है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर है अनगढ़ा का ये इलाका। ये इलाका काले पत्थर के लिए जाना जाता है। घोटाले का खुलासा साल 2022 के फरवरी महीने में हुआ था। तब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति लेने का काम किया है। इन आरोपों के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अनगढ़ा में उस जमीन पर पहुंची थी जिसे लेकर हेमंत सोरेन पर घोटाले के आरोप लगे थे। रांची के
अंगड़ा ब्लॉक के 482 नंबर इलाके का प्लॉट नंबर का ये वो इलाका है जो मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर आवंटित कर दिया है। अब आपको दस्तावेजों में दिखाते हैं कि इस जमीन को कैसे देखा गया है और क्या क्या लिखा गया है और कैसे कुछ बातों को छुपाया गया है। नंबर एक, जो एड्रेस दिया गया है वो है प्लॉट नंबर 482, खाता नंबर 187, ब्लॉक अंगड़ा। लेकिन जो एफिडेविट फाइल किया गया है चुनाव आयोग में, उसमें लिखा है खाता नंबर 87, प्लॉट नंबर 482, यानी कि 187 को यहाँ पर 87 लिखा गया है। 87 और 187 का अंतर ये नहीं है, सच्चाई ये है कि क्या कुछ बातों को छुपाया गया है। जब इस कागज को और इस दस्तावेज को अप्रूवल दिया गया है तो उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि 2008 से लेकर 2018 तक ये जमीन हेमंत सोरेन के पास थी। क्या इसके जरिए उन पुरानी बातों को छुपाया गया है या फिर उन बातों को, यानी कि बहुत सारे जो नॉमिने जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है तो उसके तहत इन कागज़ों को नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर पिछली पोल खुल जाएगी तो शायद ये ज़मीन दोबारा अलॉट नहीं हो पाएगी। मामले का खुलासा होते ही 2022 में हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी और फिर इसके बाद एक एक करके कई फाइलें खुलती चली गईं, जिसकी वजह से सीएम सोरेन कानूनी शिकंजे में फंसते चले गए। कहते हैं कि राजनीति में संकेतों का मतलब बहुत बड़ा होता है। कहने को तो सीएम हेमंत सोरेन अपने माता पिता से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर सोरेन को ईडी का 7वां नोटिस और विधायक सरफराज का इस्तीफा झारखंड की राजनीति में सियासी भूचाल की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है और आज शायद गठबंधन विधायक दल की बैठक में झारखंड के सियासी भविष्य का नया चेहरा तय हो जाए। और इस रिपोर्ट के बाद आपको एक बड़ी खबर दे दें। बड़ी खबर यह है कि ईडी का छापा लगातार चल रहा है। रांची में 6 जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो वहीं अब जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि ईडी अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रांची और राजस्थान में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की भी तलाशी हो रही है, तलाश की जा रही है उनकी। साहिबगंज के जिलाधिकारी रामनिवास की भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो जानकारी है कि उनके राजस्थान स्थित आवास पर भी इस वक्त ईडी की टीम पहुंची है, तलाश हो रही है। डीएम के राजस्थान स्थित आवास पर भी तलाशी की जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई अवैध खनन के मामले में, अवैध खनन घोटाले में छापेमारी लगातार ईडी की जारी है। और अब नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं 2 मिनट में देश की खबरें। कथित शराब घोटाले में ईडी के सामने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। बड़ा सवाल, क्या तीसरे समन पर पेश होंगे केजरीवाल? ईडी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए मांगी थी तारीख और समय, 29 दिसंबर को किया गया था 7वां समन। झारखंड के मौजूदा सियासी हालात पर बोले राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन, कहा मुझे नहीं है जानकारी, जिन्होंने भी गलत किया उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। अदाड़ी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। याचिकाकर्ता ने की है अदाड़ी ग्रुप के शेयर में हुए निवेश की जांच, नए सिरे से कराने की मांग। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, नीतीश संयोजक बने तो स्वागत, वो इंडिया गठबंधन के संस्थापक और इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक, नीतीश की कोशिश से ही बना गठबंधन। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा ये 5वां चुनाव जब अपना दल बीजेपी के साथ में लड़ेगी चुनाव, बीजेपी सीटों के बंटवारे के संबंध में फिलहाल कोई चर्चा नहीं। पीएम मोदी का आज त्रिशूर में रोड शो है, प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारी जारी है। करीब 2000 महिलाओं ने परफॉर्म किया पारंपरिक नृत्य। किसान मोर्चा का फिर बजा बिगुल, 18 उत्तर भारतीय संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान है। हिट एंड रन कानून पर सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में सुलह, संघ ने ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील की, सरकार ने कहा कानून अभी लागू नहीं हुआ। दिल्ली स्पेशल सेल का खुलासा, आरोपियों ने 5 साल के भीतर छाप दिए 5 करोड़ रुपए के नकली नोट, आरोपियों ने नकली नोट छापने के लिए लगाया था सेटअप। धोखाधड़ी का शिकार हुए गदर 2 के एक्टर राकेश बेदी, ठग ने आर्मी ऑफिसर बनकर राकेश बेदी से ठगे 75,000 रुपए। जालंधर में डीएसपी की संदिग्ध मौत का मामला है, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है दर्ज, डीएसपी दलबीर सिंह की गर्दन पर लगी गोली की वजह से साजिश की आशंका।
दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बेघर और राहगीरों के सामने सबसे ज्यादा परेशानी। और चलिए अब देख लेते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट और सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। धन्यवाद जया। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए लागू करने का बड़ा दांव चलने जा रही है। चुनाव से पहले सीए लागू करने की तैयारी है तो बीजेपी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प ले लिया है। शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड से। यूसीसी 2024 नया साल भी आ रहा है, प्रदेशवासियों को पूरी उम्मीद है। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना 2024 का एजेंडा पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ही साफ कर दिया था और अब बीजेपी अपने वादे के मुताबिक उत्तराखंड में इसे लागू भी करने जा रही है। उत्तराखंड के बाद उसे असम में भी लागू करने की तैयारी है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव होंगे ये जानना भी जरूरी है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, बहुविवाह हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी, पति पत्नी को तलाक का समान हक मिलेगा, लड़के लड़की को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, लिव इन में रहने के लिए डिक्लेरेशन देना होगा। हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताकर अपनी सरकार का संकल्प साफ कर दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हालांकि यूसीसी का विरोध भी हो रहा है और इसमें बदलाव की भी मांग उठ रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे आदिवासियों की कल्चर आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि इसे आनंद मैरिज एक्ट पर असर पड़ेगा। वहीं मुस्लिमों का दावा है कि ये कानून शरीयत के खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समाज के विभिन्न समुदायों से आ रही अलग अलग रायों को देखते हुए लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे थे, जिसके बाद 20 लाख से ज्यादा लोगों और संगठनों ने यूसीसी पर अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें से कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने इसमें फेरबदल को कहा है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि सीएए के नियम लोकसभा चुनाव 2024 से काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार जल्द ही सीएए के लिए नियमावली जारी करेगी। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद नियमों के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जा सकेगी। सीएए को लेकर मोदी सरकार ने 4 साल पहले ही दांव चल दिया था। 2019 में संसद से पास कराए गए कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई भारत की नागरिकता के हकदार होंगे। हालांकि उस वक्त कानून का पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ था, लेकिन अब कानून लागू होने के बाद पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता देने का सरकार ने संकल्प ले लिया है। 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के क्रियान्वयन को लेकर कोलकाता में इसके लिए संकेत दिए थे। दीदी, कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। सीएए को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसका खुलकर विरोध कर रही हैं।
और बीजेपी ममता के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए। सीए कानून भारतवंशियों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे, मैं समझता हूं वो देश हित में नहीं, देश के विरोध में काम कर रहे थे। अब तो देश को राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाण पत्र भी चाहिए, वो भी अब आना चाहिए देश को, देश के लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को स्वीकारना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बंगाल में एक बार फिर सीएए पर स्पष्ट रूप अपनाते हुए बयान पर कहा, भारत एक देश है और यहाँ एक कानून चलेगा, विपक्ष को हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ के नागरिक सब एक हैं। यानी 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर सीएए और यूसीसी का मुद्दा उठाकर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है और इसका असर आम चुनाव पर भी पड़ना तय है। और चलिए अब बात हड़ताल की कर लेते हैं। देखिए, तीन दिनों से देश भर में चल रही ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक चालकों की बेमियादी हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। सरकार ने हड़ताल पर ड्राइवर्स से ये बात कही है कि अब वो अपने काम पर लौटे और बिना बातचीत के ये कानून लागू नहीं होगा। रिपोर्ट देखते हैं। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय की लंबी बैठक के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि कानून लागू होने से पहले ट्रांसपोर्टरों से बात की जाएगी। संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। इधर सरकार के फैसले पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने खुशी जताते हुए ड्राइवरों से जल्द काम पर लौटने की अपील की है। 10 साल की सजा और जो जुर्माना 5 लाख या 7 लाख जो भी था, उन्होंने बोला वो सब निकाल देंगे, कोई भी जुर्माना नया लगेगा नहीं, पुराना जो जुर्माना चल रहा है या जो सजा चल रही है वो चलती रहेगी, आगे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपसे पूरी डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ लागू नहीं करेंगे। अच्छा, कोई आश्वासन क्या लिखित में भी कोई आश्वासन जो है वो आपको पूरा लिखित में आश्वासन दिया है? आश्वासन नहीं, लिखित में दिया है कि ये आपको लागू नहीं होगा। जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है, उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं। ये सरकार की मैं बोल रहा हूँ, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106(2) 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अशोर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होगा। हम परिवार का सदस्य हैं, ये कानून का विरोध करते थे, उनके साथ में खड़े थे, हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में विश्वास रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से इसका हल निकला है। जो आपको हमने बताया है कि ये कानून लागू नहीं है और ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अब जिस हिट एंड रन का ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं, जरा उसे समझ लीजिए आखिरकार वो क्या है। हिट एंड रन कानून सड़क हादसों पर लगाम लगाने के हैं, खासतौर पर हिट एंड रन के मामलों पर रोक लगाई जा सके। इसमें बिना हादसे की खबर दिए और फरार होने पर सख्त सजा का प्रावधान है। खबर दिए मौके से भागने पर सख्त सजा और बड़ा जुर्माना लगेगा। कानून को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में लापरवाही से ड्राइविंग हादसा हुआ और मौत की वजह ड्राइवर है तो वो गैर इरादतन हत्या नहीं होगी, इसके लिए 5 साल तक की जेल और जुर्माने का नियम है। दूसरी श्रेणी ड्राइवर की लापरवाही से मौत और मौके से फरार होने की, इसमें आरोपी को पुलिस मजिस्ट्रेट को खुद ही हादसे की जानकारी देनी होगी, ऐसा न करने पर 10 साल तक सजा और 7 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। इधर इस पूरे कानून पर ड्राइवरों का तर्क है कि सड़क हादसों के वक्त लोग गुस्से में होते हैं, ऐसे मामलों में भीड़ हमेशा ड्राइवरों पर हमला कर देती है।
ड्राइवर अगर मौके पर मदद करना भी चाहे तो उन्हें मारपीट का डर रहता है। ड्राइवरों का कहना है कि कोई जानबूझ कर सड़क पर एक्सीडेंट नहीं करता, कोहरे और दूसरी वजहों से भी सड़क हादसे होते हैं। ड्राइवर चलाते हादसे होते रहते हैं, सामने वाले की गलती से हो गया है जो भी है, तो इस तरीके तो ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे सर। लेकिन तो जो नया कानून है उसमें तो सीधा ये है कि लापरवाही पूर्वक अगर ड्राइविंग करते हैं तो ये तो गवर्नमेंट के पास ये क्लियर कहाँ है कि लापरवाही है किसकी। यहाँ तो इनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज में है नहीं, जो है भी शहर में बंद पड़े हैं। आप विदेश के जैसा सिस्टम लाने वाले हो तो पहले इंडिया को विदेश जैसा बना तो लो। गलती ज़्यादातर रहती है छोटी गाड़ी वाले को, क्योंकि उनको बहुत हड़बड़ी रहती है, तो इसमें भी छोटी गाड़ी वाले की गलती के कारण बड़ा गाड़ी वाला रगड़ा जाता है। उसके नाम से जो अभी देखो गाड़ी क्यों चला रहा है, वो तो आम गरीब इंसान है, वो 7 लाख कहाँ से भरपाई करके देगा। 10 साल की सजा सुन के तो वैसे गाड़ी छोड़ के सब भाग रहे हैं। अभी देखो नया नया गाड़ी आपके सामने यहाँ खड़ा है और उसका 1-1 लाख का किस्ती कहाँ से देंगे। क्या चाहते हैं, रिवाइज होना? इसको रिवाइज करना चाहिए, प्रावधान देना चाहिए कि इसमें क्या क्या समाधान है, आपको क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से कानून लागू करना चाहिए। इन्होंने अपनी मनमानी करके थोप दिया है कि कानून ये आपके ऊपर लगा दिया। बहरहाल सरकार और ट्रक चालकों की संस्था के बीच सुलह हो जाने से कई राज्यों में ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों की अघोषित हड़ताल खत्म हो गई है। हालांकि हड़ताल को लेकर स्थानीय स्तर पर यूनियनों का रुख अभी साफ नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2 दिन बाद पहले की तरफ हालात बहुत कुछ सामान्य हो जाएंगे। इसी रिपोर्ट के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। ABP News आपको रखे आगे।